क्या चोर को दिख गया भगवान का चमत्कार? वापस कर दी 2 साल पहले चोरी की गई करोड़ों की मूर्तियां। क्या आपने कभी देखा है कि चोर ने करोड़ों की चोरी की और फिर 2 साल बाद पुजारी के घर के बाहर रख गए? आपको बता दें कि ये अजीबोगरीब मामला बिहार के छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र के फतेहपुर सरिया गांव का है। क्या है पूरा मामला? लगभग 20 महीने पहले राम जानकी मठ से अज्ञात चोरों के द्वारा मूल्यवान अष्ट धातु की तीन मूर्ति की चोरी की गई थी। इन्हीं चोरी की गई 3 मूर्तियों में से 2 को अज्ञात द्वारा मंदिर परिसर की दीवार के पास रख दिया गया। पुजारी इसे चोरों का हृदय परिवर्तन होना और भगवान की कृपा बता रहे हैं। वहीं सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस की सख्ती के कारण ही मूर्तियों की बरामदगी हुई है। हालांकि अभी एक मूर्ति का पता चलना बाकी है। पहले भी हो चुकी हैं मूर्तियां चोरी। साल 2012 में राम जानकी मंदिर परिसर से चोरों ने मठ के तत्कालीन पुजारी को बंधक बनाकर 3 मूर्तियां लूट ली थीं। कई महीने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खंडित अवस्था में मूर्ति को बरामद किया था। दूसरी बार 2019 के अक्टूबर महीने में 3 मूर्तियों को अज्ञात चोरों के द्वारा फिर चोरी कर लिया गया। फिलहाल मूर्तियों की बरामदगी के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की। मूर्ति चोरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। हालांकि इनमें 2 मिल गई हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।